सो गाइस 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 कैसे हैं आप सभी लोग एंड आप सभी का स्वागत है फिर से GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। गाइस आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड एक बार अपनी GTA 5 का वेदर देखो यार, कितनी सुहावनी शाम हो रही है। वैसे शाम नहीं हो रही, यहाँ पे रात हो रही है। अरे काले फ्रैंकिन क्या ही बोल रहा है भाई, कमेंट तो ठीक से कर ले, शाम बोल ले या रात बोल ले। अबे जिमी के बच्चे, मैं तेरे से कितना बड़ा हूँ, मुझे काला बोल रहा है भाई, अपने फ्रैंकिन को इज्जत ही नहीं है। तो गाइस अपने जिमी को तो छोड़ो, आज अपने फ्रैंकिन को अपने GTA 5 के अंदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक न्यूज पता लगी है। एंड गाइस अभी अपने फ्रैंकिन अपने घर पे बैठ कर आराम से टीवी देख रहा था और उसी वक्त अपने फ्रैंकिन ने अपने टीवी के अंदर न्यूज देखी कि अपने लॉस सैंटोस के ओशन में एक मेगा शार्क देखी गई है। एंड गाइस वो कोई ऐसी वैसी शार्क नहीं है, उस शार्क का साइज कम से कम 10 ट्रक जितना बड़ा है। एंड आप सभी सोच सकते हो कि भाई शार्क का कितना बड़ा साइज होगा, बट गाइस ये दिक्कत वाली बात नहीं है, वो शार्क जितनी बड़ी है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। वो अपने ओशन के सारी एनिमल्स को खा रही है, मतलब कि सारी फिश को खा रही है। एंड गाइस जो भी अपने लॉस सैंटोस का इंसान अपने ओशन के अंदर घूमने जाता है, वो वाली शार्क उन सबको मार डालती है, मतलब कि जान से मार डालती है। एंड गाइस अपने लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट ने एक न्यूज दी है, जो भी उस मेगा शार्क को पकड़ के मार डालेगा और अपने लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को दे देगा, वो उसे इनाम में $10 मिलियन देगी। एंड गाइस $10 मिलियन मिलने वाले, तो अपना फ्रैंकिन शांत नहीं रहने वाला भाई, $10 मिलियन कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो जिमी एक काम कर, जल्दी तू मेरे पीछे आ जा, अपनी ऊपर एक कार खड़ी हुई है। एंड गाइस जो वो कार है वो अपनी लैम्बोर्गिनी टैज़ो है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको अपनी लैम्बोर्गिनी टैज़ो कैसी लगी। गाइस ये देखो, ये रही अपनी लैम्बोर्गिनी टैज़ो, वो भी ग्रीन कलर में। गाइस मुझे कमेंट में जाके अभी बताओ कि आप सभी को ये कार कैसी लगी, बस मुझे कमेंट में हाय बोल देना। अबे जिमी का बच्चा कहाँ पे रह गया भाई, यहाँ पे रात होने वाली है, मैं जल्दी से ओशन में जाना पड़ेगा। एंड गाइस ये देखो कितनी आराम आराम से जिमी का बच्चा भागते हुए आ रहा है, भाई कहाँ पे जा रहा है। एक काम कर, जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जा, हम जल्दी से चलते हैं अपनी लॉस सैंटोस के ओशन पे और देख के आते हैं वहाँ पे कोई शार्क है भी या फिर नहीं। क्या जिमी तू रेडी है? अरे हाँ ना काले अंकल, चलाओ। अबे भाई अपना जिमी अपनी कितनी बेइज्जती मारता, और ये देखो अपने फ्रैंकिन ने भाई इन तीनों बंदों को भगा दिया। अरे भाई कहाँ भाग रहा, ओ तेरी जान पूछ के मेरी कार के सामने डाइव मार रहा है कि मेरे पे मर्डर का चार्ज लग जाए। भाई लॉस सैंटोस के बंदे आजकल को ज्यादा चंट होते जा रहे हैं, और ये क्या भाई यहाँ पे लॉस सैंटोस में इतनी डरावनी रात क्यों हो रही है भाई, मुझे डर लग रहा है वैसे ही। अरे कालू फ्रैंकिन तू इतना डरता क्यों, मुझे ये तो बता। अबे जीमे के बच्चे भाई, तू पहले मुझे कालू बोलना बंद कर। अरे फ्रैंकिन भैया आप काले हो तो इसमें शर्माने वाली बात क्या है। अबे तू भाई मेरा नाम भी तो है, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है। एंड गाइस आप सभी को क्या लगता है कि अपने लॉस सैंटोस के ओशन में वो मेगा शार्क है या फिर जो वो न्यूज थी लॉस सैंटोस की वो फेक थी? आई डोंट नो गाइस, हम दोनों को ओशन में जाने के बाद ही पता लगेगा। तो एक काम करते हैं गाइस, हम जल्दी से अपने लॉस सैंटोस के बीच में चलते हैं और वहां से कोई छोटी मोटी बोट ले लेंगे और हम ओशन के एकदम बीचों बीच जाएंगे और चेक करके आएंगे कि वो मेगा शार्क है या फिर नहीं। सो गाइस जब तक हम अपने लॉस सैंटोस के बीच पे जा रहे हैं, आप सभी लोग बैठे बैठे एक काम कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अबे अबे अभी भाई क्या कर रहा है फ्रैंकिन, जल्दी ये देखो अपना फ्रैंकिन यहाँ पे अलग ही ड्रामे कर रहा है। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली अपना फ्रैंकिन और जिमी आ चुकी है अपने लॉस सैंटोस के बीच पे। एंड एक काम करते हैं भाई, गोल घूम के कौन जाएगा, हम यहाँ से इतने में शॉर्टकट ले लेते हैं, बस मेरी कार को कुछ होना। एंड गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं अपने लॉस सैंटोस का ओशन में कितना सुंदर व्यू आ रहा है भाई, कितना तगड़ा व्यू लग रहा है, और ये खड़ी अपनी बोट। गाइस एक काम करते हैं, हम वहां पे चलते हैं और सबसे पहले कोई छोटी मोटी बोट लेते हैं ताकि हमारे ज्यादा पैसे खर्च भी ना हो, क्योंकि गाइस अभी अपने जो फ्रैंकिन और जिमी है वो सभी ये चेक करने जा रहे हैं कि जो ये लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट ने ये जो टीवी पे न्यूज दी थी ये फेक है या फिर सच है। तो एक काम करते हैं भाई, यही कहीं पे भाई वो छोटी मोटी बोट खड़ी होती थी कहां पे गई, और ये देखो यार लॉस सैंटोस का मेला कितना अच्छा लग रहा है। फ्रैंकिन भी एक काम करते, सबसे पहले यहाँ पे झूला झूल के आते हैं उसके बाद जाएंगे। अबे जिमी के बच्चे ऐसी पागल वाली बातें मत कर, अगर ये वाली न्यूज सच हुई और हमसे पहले कोई वहाँ पे चले गया तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, अपने हाथ से $10 मिलियन चल जाएंगे। तो फ्रैंकिन भैया क्या बोलते हो, उसमें से आता मेरे को दोगे? अबे यो चल चल, तेरे को तो मैं फूटी कोड़ी बनो तू। तो फ्रैंकिन भैया मैं जा रहा हूँ। अबे अभी भाई बुरा क्यों मान गए, चल ले लो ना तू भी $1 मिलियन ले लो बस खुश। अरे हाँ ये भी ना फ्रैंकिन भैया बात, मैं पहले ही बोल रहा हूँ मेरे पापा को मत बोलना। भाई जी भी कितना तेज है, इसके पापा इससे $1 मिलियन ले ना ले, इसलिए भाई फ्रैंकिन को ना कर रहा, और भाई वहाँ पे वेट किस कर रहा है, जल्दी आना घोचू। ये देखो भाई ये अलग ही भाई बोट में जा रहा है, अबे भाई इस वाली बोट में आना है, जल्दी से बोट पे चल जा। अरे फ्रैंकिन भैया पानी बहुत ठंडा है। अबे जिमी पानी ठंडा ही होता है भाई, आंख थोड़ी ना जो गर्म होगा पानी, कैसी गोचू वाली बातें कर रहा है। सो हियर वी गो, अब हम एक काम करते हैं,
अब हम चलते हैं सीधा अपने ओशन के बीचों बीच जहाँ पे हमें लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट ने उस शार्क की लोकेशन दी थी। एंड गाइस यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन के साथ एक दिक्कत वाली बात हो चुकी है। अब यहाँ पे होने वाली है रात, और भाई रात में अपने ओशन के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तो एक काम करते हैं भाई, अभी थोड़ी बहुत शाम भी हो रही है, इस शाम की रोशनी में हम थोड़ा बहुत तो शार्क को देख ही लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से ओशन के बीचों बीच चलते हैं। और ये बटन कैसा है भाई इस वाली बोट के अंदर? अरे फ्रैंकलिन भैया दबा के देखो ना। ठीक है भाई जी, मैं जैसे तू बोले। अबे भाई इसमें तो बूस्टर ऑन हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया बटन से हाथ उठाओ ना। हटा लिया भाई, हटा लिया, मैंने बटन से हाथ हटा लिया। भाई कैसी बोट है ये, मुझे तो अब पता लगा। सो फाइनली गाइस हम उस वाले शार्क की लोकेशन पे आ चुके हैं। एंड गाइस वो शार्क इधर ही कहीं हो सकती है। भाई जिमी चारों तरफ पे देखते रहियो। अरे फ्रैंकलिन भैया आप भी देखते रहो भाई, मेरे पे मत थोपो सारा काम। ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड गाइस, आई थिंक अपने फ्रैंकलिन और जिमी को वो मेगा शार्क मिल चुकी है। ओ माय गॉड भाई साहब, जब इस शार्क की ये फिन इतनी बड़ी है तो शार्क कितनी बड़ी होगी ये। गाइस मुझे लग रहा है कि जो ये शार्क है अभी इस टाइम पे सो रखी है। तो जिमी भाई हल्की सी भी आवाज मत करियो। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जिमी तू एक काम कर, तू अपनी बोट पे बैठ रहा है, मैं इसको एक बार जाके चेक करता हूँ कि ये है कितनी बड़ी। अबे जिमी तू भी क्यों कूद गया? फ्रैंकलिन भैया जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। तो गाइस एक काम करते हैं, अब हम इस वाली शार्क को चेक करते हैं कितनी बड़ी। अरे मम्मी गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं ये वाली मेगा शार्क कितनी ज्यादा बड़ी है। अरे जिमी का है तू, तू तो कुछ अपने जिमी को क्या हो गया भाई, जिमी पागल हो गया, जिमी को डर लग गया। अरे फ्रैंकलिन कालू मुझे तो कहा लिया आया मरने के लिए। अबे जिमी टेंशन मत ले, ये मेगा शार्क सो रखी है। एंड गाइस अपने जो लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट की न्यूज थी वो एकदम सच निकली भाई, ये तो 10 ट्रक से भी बड़ी है भाई, कितनी ज्यादा बड़ी है। एंड गाइस मुझे लग रहा है कि ये ओशन के फिश को खाके आराम से सो रही है इस टाइम पे। एक भाई इसको सामने से देखो कितनी ज्यादा बड़ी है ये। ओ भाई, ओरे बाप रे गाइस, एक बार इस शार्क के भाई दांत देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। भाई साहब अगर ये शार्क उठ गई तो अपने जिमी और भाई फ्रैंकलिन तो गया। जिमी जल्दी से मेरे पीछे आ, वो रही अपनी बोट। गाइस एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपनी बोट पे बैठ जाते हैं और कल सुबह आएंगे इसके पास, क्योंकि गाइस अभी हमारे पास वेपन भी नहीं है और गाइस अभी अंधेरा भी हो रहा है। अभी तो अपने जिमी और फ्रैंकलिन पक्का गए। अभी ये बोट कहां भाग रही है मेरी, इसको मुझे लॉक भी लगाया भाई, मिल जा जल्दी से मिल जा। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली हमें बड़ी मुश्किल से अपनी बोट मिल चुकी है। अबे जिमी के बच्चे जल्दी बैठ जा। अरे फ्रैंकलिन भाई तू मुझे कहाँ पे लिया है ये बता, कल मैं तेरे साथ नहीं आने वाला। वो तूने उस शार्क के दांत देखे थे कितने बड़े थे कालू फ्रैंकलिन, तू मुझे यहाँ पे मरने के लिए आया वो भी रात में, मेरे पापा को पता भी नहीं लगता मैं कहाँ पे गया। खुद तो मरेगा मुझे भी मरवाएगा। अबे जिमी के बच्चे तो क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ था ना, मैं तुझे कुछ होने नहीं देता। अरे कालू फ्रैंकलिन तू उसके एक दांत जितना भी नहीं था, वो तेरे को अपने दांत में फंसा ली थी। एंड गाइस सच मुझ में वो मेगा शार्क कितनी ज्यादा बड़ी थी। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, हम इस वाली लोकेशन पे कल सुबह फिर से आएंगे, वो भी अपने वेपन के साथ। एंड गाइस एक काम करेंगे, इस बार हम अपने साथ अपना एक हेलीकॉप्टर लेके आएंगे ताकि हम इस वाली शार्क को ऊपर से गन से मार दे। अबे 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 भाई फ्रैंकलिन रोक अपनी बोट, रोक पागल। अबे यार फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लॉस सैंटोस के बीच पे। तो गाइस एक काम करते हैं, अब हम एक हेलीकॉप्टर लेके आएंगे वो भी कल सुबह। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली अपनी GTA 5 के अंदर हो चुकी है मॉर्निंग। एंड आप सभी लोग देख सकते हैं आज अपने लॉस सैंटोस का वेदर कितना सुहाना हो रहा है। एंड गाइस अभी हम खड़े हुए अपनी मेज बैंक की बिल्डिंग के ऊपर, वो भी अपने जिमी के साथ। एंड गाइस अपनी मेज बैंक की बिल्डिंग के ऊपर हमारा खड़ा हुआ है वो खतरनाक से हेलीकॉप्टर। ये देखो गाइस कितना तगड़ा हेलीकॉप्टर है, और ये अपने फ्रैंकलिन ने भाड़े पे लिया है, वो भी अपने US की मिलिट्री वालों से, ताकि हम उस मेगा शार्क को मार सके। एंड गाइस अपने $10 million अपने फ्रैंकलिन की हो जाए। सो हियर वी गो। सो गाइस एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। उस जिमी को क्या हो गया, जिमी जल्दी ऊपर आ भाई। अबे भाई साहब कितनी स्लो मोशन में आ रहा है, ये बैठ कहाँ पे रहा है, ये बैठ कहाँ पे रहा है भाई, पीछे जगह है तो। ये बंदा भी मेरे पीछे बैठ जाएगा। एंड गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये गन भी लगी हुई है जिसकी हेल्प से हम उस शार्क को मारने वाले हैं। एंड गाइस इसके अंदर दूसरी जो गन है वो ये वाली मिसाइल है। गाइस ये देखो, ये वाला हेलीकॉप्टर लगातार मिसाइल छोड़ सकता है। ओ माय गॉड, क्या ही तगड़े वेपन लगे हुए हैं इस वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर। भाई मानना पड़ेगा अपने मिलिट्री वालों के पास कुछ ज्यादा तगड़े वेपन है। सो गाइस एक काम करते हैं,
अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी उस शार्क की लोकेशन पे जहाँ पे उस खतरनाक शार्क ने अपने फ्रैंकलिन को रात को डराया था। और भाई साहब इस बार वो अपने हाथ से नहीं बचने वाली क्योंकि अपने फ्रैंकलिन के पास ये वाले हेलीकॉप्टर है। तो भाई कहाँ पे गई वाली शार्क? अपना फ्रैंकलिन तो भाई अपनी मिसाइल छोड़ता रहेगा और बंदा इससे काम नहीं बना। तो अपने फ्रैंकलिन के पास ये वाली मशीन गन तो है ही, ओ भाई कितनी तगड़ी है। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनली अपना फ्रैंकलिन इस वाली शार्क के पास आ चुका है और भाई साहब ये वाली शार्क अपने हेलीकॉप्टर तोड़ने की कोशिश कर रही है। आजा बेटे आ जाओ। भाई कितनी डरावनी शार्क है भाई, इतनी खतरनाक शार्क बने आज समझी था। भाई भाई फ्रैंकलिन ऊपर ले तो को मुंह में खा जाएगी वो भाई, हमारे हेलीकॉप्टर में एकदम चकना चुर हो जाएगा। एक काम करते भाई मैं इसके ऊपर अपनी मिसाइल छोड़ता हूँ। और ए भाई अपने फ्रैंकलिन के हेलीकॉप्टर गया, जल्दी भागो जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो फ्रैंकलिन जल्दी उतर यहाँ से। और ए भाई गाइस अभी अपने फ्रैंकलिन का हेलीकॉप्टर टूट गया तो अपने फ्रैंकलिन ने अभी भी गाइस अपना आइडिया चेंज करा है। हम उस वाली शार्क को हेलीकॉप्टर से मार नहीं सकते क्योंकि जो वो मेगा शार्क है उसने भाई माइंड कुछ जा दी है। हम जैसे उसके पास अपने हेलीकॉप्टर लेके जा रहे थे वो बार बार अपने पानी के अंदर जा रही थी और भाई हमारा हेलीकॉप्टर वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। एंड गाइस कैसे भी करके अपने माइकल एंड जिमी यहाँ पे वापस आ गए। तो गाइस अब अपने फ्रैंकलिन का प्लान चेंज हो चुका है। अपने फ्रैंकलिन ने अपनी बोट के अंदर, इस वाली बोट के अंदर सारे वेपन ले लिया है और इस बार अपने फ्रैंकलिन के पास अपनी आरपीजी है यानी कि मिसाइल। इस बार वो शार्क की बच्ची हमसे नहीं बचने वाली, जिमी कुछ भी हो जाए भाई उसको इस बार छोड़ना नहीं है। सो ऑलराइट गाइस मेरी बोट की जीपीएस के हिसाब से उस वाली शार्क को भाई मेरे एकदम सामने होना चाहिए। कहाँ पे गई वो शार्क भाई, कहीं से भी आ सकती है। कहाँ पे? ओ तेरी भाई ये रही, भाई साहब ये रही वो वाली शार्क अपने एकदम नीचे। ये कितनी ज्यादा तेज है। अरे भैया गाइस ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई। आजा बेटे आजा, इस बार अपना फ्रैंकलिन देखो नहीं छोड़ने वाला। आजा आजा आजा, कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी? गाइस ये तो अपने पीछे ही पड़ गई। फ्रैंकलिन उतर, आपको मार दूं। हे भगवान अपना जी में कैसी बात कर रहे। और भाई साहब ये शार्क तो अपना पीछे छोड़ कहाँ पे गायब हो गई। अरे भाई कितनी चांट है, जल्दी से अपने पानी के अंदर भग जाए। सो गाइस एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपनी जो आरपीजीएस के ऊपर छोड़ देते हैं। आजा आजा। सो गाइस फाइनली अपने फ्रैंकलिन ने अपनी आरपीजी निकाल दी है। जिमी क्या तू रेडी है? अबे फ्रैंकलिन करो जल्दी मारना उसको। तो ये लो गाइस, ओबे गई, मुझे लग रहा है गई। अभी तो जा ही नहीं रही। अबे भाई जिमी क्या करूं, मैं तो जा ही नहीं रही। ओ ये ले गाइस एक काम करते हैं, हम अपनी इस पे गन चलाते हैं। इधर आ बेटे तेरी तो ये ले। ओ भाई साहब गायब हो गई, गायब भी शायद से गई। गाइस फाइनली शायद से अपने फ्रैंकलिन ने उसको मार दिया। अबे भाई शायद से फ्रैंकलिन ने अपनी उसको आग पे मार दिया। सो ऑलराइट गाइस फाइनली जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने फ्रैंकलिन ने उस वाली शार्क को मार दिया बड़ी मुश्किल से। तो गाइस एक काम करते हैं, तो बड़ी खुशी वाली बात हो चुकी है। अब जल्दी से हम इस वाली शार्क को अपनी बोट पे बांधते हैं और लेके चलते हैं अपने लॉस सैंटोस के बीच पर। सो ऑलराइट गाइस फाइनली हम इस वाली शार्क को अपने लॉस सैंटोस के बीच पे ला चुके हैं। एंड गाइस अपने फ्रैंकलिन ने सीधा इस शार्क की भाई आग पे मिसाइल मार दी, तब जाके इसकी डेथ हुई है। एंड गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं भाई साहब कितनी बड़ी शार्क है ये। अबे जिमी आप तो डर नहीं लग रहा ना? अरे फ्रैंकलिन काल में मुझे क्या पता ही उठ गई तो। अबे पागल पानी से भाग चुकी है वो, अब जिंदा नहीं होगी, अब तो वो वैसे भी मर जाएगी। एंड गाइस सचमुच में इस वाली शार्क ने भाई हमारी नाक में कुछ ज्यादा दम कर दिया था। और भाई इसके एक बार दांत देखो गाइस, एक बार इस वाली शार्क की भाई दांत देखो कितने ज्यादा बड़े है। एंड गाइस ये रही शार्क की एक आग और अपने फ्रैंकलिन ने इसकी दूसरी वाली आग पे मिसाइल मार दी जो कि एकदम खत्म हो चुकी है। एंड गाइस इस शार्क के एक बार दांत देखो भाई, जिमी से भी बड़े हैं। अरे फ्रैंकलिन कालू तेरे से भी बड़े हैं वो। अबे भाई तू कालू बोलना अब तो बंद कर। सो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक। एंड गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।